मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मोस्टली लोग जानते हैं बहुत सारे, क्योंकि कई गाँव में हमारी विजिट होती रहती है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह फसल विज्ञान विभाग से हूँ, यहाँ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। और कुछ एक इस एरिया में एक मुर्गोजा की बहुत बड़ी समस्या है, ये सारा मोटी वाह 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 खतरनाक सबसे, क्योंकि मैं सिर्फ जो मेन इश्यू है ना उनके ऊपर बात करूंगा, बताने की कोशिश। और ये जमीन में ज्यादा लीक रहे जी, कल डैम को लीक रहे। मुर्गोजा के बारे में आपको बताने से पहले मैं कुछ उसके जो लाइफ साइकिल है ना, उसका जीवन चक्र, कि मुर्गोजा का जो पौधा है वो फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या होता है, जैसे हम सरसों की बिजाई करी, बिजाई करने के पांच से सात दिन के बाद जैसे सरसों का जो पौधा खेत में जम जाएगा ना, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, तो पौधों के जड़ों से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि पौधों के जड़ों के आसपास पड़ा जो मुर्गोजे का सीड है उसकी जो डोरमेंसी को तोड़ देता है। और उससे क्या होता है, उसको मुर्गोजे के सीड के जर्मिनेशन के लिए एक फेवरेबल एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, वो जाम जाता है। मतलब वो केमिकल बहुत तगड़ा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। तो जैसे ही वो जामता है, जामने के बाद कुछ दो तीन दिनों के बाद वो एक ट्यूब सी बना के जो सरसों के जड़ है उसके नीचे जड़ों के अंदर चला जाता है, और फिर वो सब फिर उसके ऊपर एक तरह का ना मतलब पैरासाइट जैसे परजीवी कह देते हैं, मतलब वो सरसों के थ्रू, उसकी खुद की कोई रूट नहीं होती, वो सरसों के अंदर प्रवेश कर गया है। सरसों के थ्रू जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं और जो पानी है वो खींचता है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम टाइम पे खाद दी, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर फिर भी अपने को क्या है, जो पौधा है ना कमजोर दिखेगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर मुर्गोजा आ गया है। और जैसे ही ये जो मुर्गोजा का जो मेनली जो वीड है, जो खरपतवार है, ये जनवरी तक ये पौधे के नीचे से उसको उसकी जड़ों में खाता रहता है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मुर्गोजा खा रहा है उसको पौधे को, और तब तक उसने अपना 30-40% काम कर दिया है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फरवरी के मंथ में, तो मुर्गोजा का जो पौधा है वो अपने बाहर निकलेगा, बाहर आपको दिखेगा, आपको लगेगा यार मुर्गोजा तो अब आया, पर उसने अपना जो काम करना था वो कर चुका है पहले ही। तो बाहर आने के 10 दिन के बाद उसमें फ्लावरिंग आएगी, फिर अगले 10 दिन के बाद उसके अंदर सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब बीज बन जाएगा। सरसों पकने से पहले उसका बीज उस खेत में चला जाएगा, मतलब कि उसने अगले साल का जुगाड़ अपना बांध लिया, वहीं अगले साल जो जामना उसने बांध लिया। और इस पौधे की खास बात क्या है, पहली बात तो एक जो पौधा है ना इसका मुर्गोजा का, 1 से 1.5 लाख सीड प्रोड्यूस करता है, 1 से 1.5 लाख बीज, मतलब इतना खतरनाक है। और दूसरा, अगर ये खेत में 10 से 15 साल पड़ा रहेगा ना इसका बीज, और 10-15 साल के बाद फिर अपन सरसों की बुजाई करेंगे, जैसे सरसों की बुजाई करेंगे उसके साथ उसको एनवायरमेंट सा मिलेगा ना, सरसों अपना सरसों की जड़ों से केमिकल रिलीज होगा, सीड पड़ा है तो ऑटोमेटिक जर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है सरसों की। और अगर इसका कंट्रोल का देखें, अगर अपन जो नॉर्मल तरीके हैं कंट्रोल के, अपन जैसे कि गेहूं के अंदर स्प्रे कर देते हैं, उन तरीकों से इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लंबा रिसर्च हुआ, कई साल उसके ऊपर काम किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया 10 से 15 साल तक उसके ऊपर। तो उस टाइम कुछ चीज़ें निकल के आई कि कौन सा केमिकल स्प्रे करें, अलग अलग केमिकल टेस्ट किए, तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आई, जो हमने फार्मर्स फील्ड पे चेक भी किया, बहुत सारे फार्मर्स ने देखा कि इस दवाई से अच्छा कंट्रोल हो रहा है, वो है ग्लाइफोसेट, राउंडअप के नाम से आती है ये दवाई, है इसके कंट्रोल के लिए। कैसे करना है इसका कंट्रोल, जैसे आपने सरसों की बिजाई कर दी, आपको ये वेट नहीं करना कि फरवरी में मुर्गोजा दिखेगा और फिर स्प्रे करेंगे, उसने अपना काम कर दिया। इसीलिए ब्लैंकेट एप्लीकेशन रिकमेंडेड है कि जिस खेत में मुर्गोजा की समस्या है उस खेत में स्प्रे करनी करनी है, 2 स्प्रे करनी है इसकी। और ये चीज़ सारे ध्यान से सुन लो, कैसे करनी है इसकी स्प्रे के अंदर 25 ml ग्लाइफोसेट 25 दिन के बाद 150 ml पानी में 150 लीटर पानी में स्प्रे करनी है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, 25 ml दवाई, 150 लीटर पानी, 25 से 30 दिन के बाद स्प्रे करनी है, पहली स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे करनी है 50 ml दवाई, राउंड अप जो ग्लाइफोसेट के नाम से आती है, 150 लीटर पानी में 50 दिन के बाद स्प्रे करनी है। इनमें तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी फसल का नुकसान हो सकता है। पहला ध्यान रखना है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी डोज, 25 ml बता रहा हूँ, 25 दिन के ऊपर तो 25 ml ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान होगा। 50 ml मतलब 50 ml, क्योंकि ये हर्बिसाइड है और इसकी डोज बहुत सारे, मैं कल लेक्चर ले रहा था 2-4 दिन पहले भी मैं किसानों से डिस्कस किया, वो बोले कि डॉक्टर साहब ये तो एक खरपतवार है, ये तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो इसकी डोज है 25 ml बहुत कम रखी गई है, क्योंकि 25 ml 150 लीटर पानी के अंदर है तो इसका डोज कम है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, पर डोज का ध्यान रखना है पहली बात, डोज। दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है, बहुत जरूरी है, खेत के अंदर नमी प्रॉपर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए खेत के अंदर, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी खेत में वो दवाई अपन ढंग से काम भी नहीं करेगी, और उसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट मतलब कि उसका जो नेगेटिव उल्टा प्रभाव फसल के ऊपर दिखाई देगा। तो क्या करना है, स्प्रे से पहले दो से तीन दिन पहले खेत के अंदर पानी लगा दो ताकि उसमें नमी हो। इससे क्या, इसके दो फायदे, एक तो उसका जो विपरीत प्रभाव टॉक्सिसिटी है वो नहीं आएगी, और दूसरा क्या है, जो ग्लाइफोसेट एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है वो मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब वो क्या है उसकी जड़ों तक पहुंच जाएगा, जड़ों में जो मुरगोज है उसको खत्म कर देगा। ठीक है, दो चीज, डोज, खेत में नमी, दोनों स्प्रे के टाइम 25 दिन पे नमी होनी चाहिए और 50 दिन के बाद नमी होनी चाहिए। अगर मान लो किसी किसान ने पहले अप्लाई नहीं किया पानी, ठीक है, उसके एक आध दिन बाद अप्लाई कर दो, क्योंकि मेन बात है नमी, नमी होनी जरूरी है। कल मैं एक मीटिंग ले रहा था मरगोजा के बारे में, तो किसी किसान ने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब अगर मान लो नमी नहीं है खेत में तब स्प्रे कर सकते हैं हम ग्लाइफोसेट की, तब नहीं करनी क्योंकि उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और दूसरा वो दवाई इतनी काम नहीं करेगी, इसलिए नमी बहुत जरूरी है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, हम जो यूजुअली क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ना तो ऐसे इस वे में स्प्रे करते हैं कि डबल लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर, तो कोशिश करना कि एक बार स्प्रे करें, एक बार गए ना हाथ दोबारा ना आए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये दो स्प्रे कर लोगे टाइम से, आपका जो मरगोजा है 60-90% तक कंट्रोल हो जाएगा और आपको इस चीज की काफी राहत मिलेगी। ये कुछ मरगोजा की मेन मेन चीजें थी, आई थिंक सारों को समझ में आ गई होंगी।